आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे इन आशाओं के साथ। मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में आज का ब्लॉग भी हमारा हो रहा है घर से स्टार्ट। तो आज हमारे आ रहे हैं गेहूँ, तो अभी ये दोनों भाई गए हैं गेहूँ लेने के लिए मंडी में। तो काफ़ी टाइम इन लोगों को हो गया, लगता है भीड़ वहाँ पर काफ़ी है, तो अभी आए नहीं है। और हम लोगों का बन गया है खाना, नाश्ता करके ये चले गए थे तो अभी नहीं आ पाए हैं। तो गेहूँ आएंगे आज, तो आज गेहूँ रखने का काम वो सब आलू देखो तो दो दिन में होगा, तो मतलब पूरा एक ही वीडियो में दिखाऊंगी। पूरा गेहूँ रखते हैं आज पूरे साल भर के लिए, तो देखते हैं आज कितनी मेहनत पड़ती है, क्या क्या होता है देखते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये आ गए हैं मंडी से दोनों भाई, और साथ में गेहूँ भी पहुँच गए। देखो ये हमारे ये देखो गेहूँ लखले और हमारे नवाब साहब छोए पड़े हैं। ये जाओ गेहूँ रखो, जाओ जाओ आप ही रखो गेहूँ, गेहूँ रखो, जाओ जाओ रखो। ये देखिए बच्चे, ये दोस्तों गेहूं रख दिए हैं छत में, अब उनको सुखा के रख ड्रम में रखना वो सब काम है। तो गेहूं रखे जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हम लोगों का हो जाएगा पूरे साल की छुट्टी। ये देखिए दोस्तों सारे गेहूं हम लोगों ने पुराना कर दिया है खाली, दिखाते हैं। और ये नया गेहूं ये रखा है, कहाँ गया, ये रखा है, ये रखा है। पहले पुराने की करते हैं व्यवस्था, फिर इसको संभाला जाएगा। हेलो, ये देखो गाइज मेरा बेटा कर रहा है काम। ये है पुराना गेहूँ, इसको अब भरती हूँ कट्टे में। ये लगे हैं देवर जी, ये के खाने के लिए आया है छत में। ये काम कुछ नहीं किया बेटा आपने, खाने में ही हो आप। हाँ हाँ, सारी ईंटें बेटे ने रख दी है, छिप कर दी थी तो काफी संघर्ष करके उसने ईंटों को। ये है सबसे कामदार हमारे घर में, यही कद्दर ये सबसे कामदार यही होगा ना। हाँ इस बात को तो नहीं, हाँ ये बड़े पापा का हेल्पर है ये। हेलो देखो ये आज मैडम आज गेहूँ उठा रही है। देखो देखो आज पहली बार मुझे लगता कि ये काम कर रही है छत में आके, नहीं तो आराम कुर्सी में बैठे रहते। ये मायके में इन्होंने कभी किया नहीं ऐसा काम, ससुराल में इनको काम करना पड़ रहा। यहाँ तो बहुत खेती है हमारी। ये हल्द्वानी से ये कल ही आई थी घर, और गेहूँ रखने से कहा, गेहूँ रखे हमने। और कितनी खुश हो रही देखो, साथ में उनका प्रिय पुत्र अभी जिसको अविरल जिसको अविरल भी अविरल कहते हैं, वो भी आए हैं, वो भी लगे हैं काम में। वो मेहनती है लेकिन वो कभी ये छिपकली के अंडे भी सफाई करने में मिल गए, 5-6 अंडे हैं। ये देखिए ये एक कारीगर और आ गया है हमारे बीच में, एक कारीगर और बुला रखा है, एक कारीगर तो योगा है। सबसे अधिक काम नानू ने किया है, सबसे अधिक। दोस्तों ये देख सकते हैं फाइनली हमारा गेहूं का काम हो गया है पूरा। ये ड्रम हमने भर दिया है ना, ये ड्रम पूरा भर दिया है, ये आधा भर दिया है। और ये है हमारे पुराने गेहूं बचे हुए, ये दो ये हैं, एक अभी बाहर है वो ला रहे हैं भैया। छोटा देखो पूरा लास्ट तक काम में लगा हुआ है, वो देख सकते हैं सबसे कामदार यही है हमारे परिवार का। तो दोस्तों आज हमारा बहुत बड़ा काम हो गया है पूरा, और पूरे साल का राशन हमने रख दिया है खरीद के। ये देखिए गेहूं का काम भी हो गया है, और आसमान में बादल आपको दिख रहे होंगे, पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ। तो फाइनली अब बारिश भी आए तो हमें कोई डर नहीं, गेहूँ भी लगभग सभी के कट ही गए हैं। तो दोस्तों आ किचन में तेरानी ने बना रखा कुछ स्पेशल,
क्या बना रखा देखते हैं आप। गेहूँ सा गेहूँ रखने की खुशी में खोल तो ना ढक्कन, पूरे साल रोटी ही खाएंगे बोल करके। ये बन रहा है यम्मी यम्मी तनी, ये देख सकते हैं वाओ है ना अच्छा टेस्टी। जिसको खाना है आ जाइए कल तो खैर खत्म भी हो जाएगा। देखिए आप बनाते हैं हम फटाफट रोटी, फिर खाते हैं आज हम पनीर रोटी। और तो दोस्तों अब हम लोग सब खाने लग गए हैं खाना। ये देखिए कैसा हो रहा है जीतू, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। ये सभी पूरे फैमिली हमारी साथ में, देरानी अभी गई है छोटे को अंदर सुलाने। ये खाओ तो दोस्तों पूरे दिन मैंने दिखाया आप लोगों को गेहूँ लाना सुखाना रखना सब चीज़ें, पूरे गेहूँ का आज काम हमारा आज हो गया। साथ में आज रात के खाने में बना शाही पनीर प्लस रोटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल करें सब्सक्राइब। इसी के साथ में वीडियो करते हुए समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय रे उम्मीद है उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।